सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, जहां कांग्रेस के गढ़ अमेठी से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी जनसभा की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर के मुद्दे को बहुत लंबे समय तक लटका कर रखा, लिहाजा जनता ने भी कांग्रेस को लटका दिया। आगे उन्होंने राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस को बाधक बताया। गौरतलब है कि पांचवें चरण में अमेठी में आगामी 27 फरवरी को मतदान होगा, जिसमें जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र 3 सीटों पर भाजपा के विधायक है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अमेठी में पूरी ताकत लगा दी है। दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी अपने किले के रूप में अमेठी को देखना चाहती है, वहीं कांग्रेस अपने खोए हुए वजूद को अमेठी में दोबारा स्थापित करना चाहती है। खबर औरैया से है, जहां मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। सुबह से ही युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक मतदान के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मंत्री रह चुके इरशाद ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कठेरिया समाज के लोगों ने कहा कि जात पात से उठकर वो विकास और रोजगार को देखते हुए अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाफिज सत्तार ने कहा कि मुस्लिम काम को नेताओं ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बांटने का काम किया है, लेकिन अब मुसलमान भी समझदार हो चुका है और अपने मनपसंद की सरकार को चुनने के लिए ही अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो नेतन की चाल है, हमेशा हम लोग अखिलेश यादव मुलायम सिंह के साथ में रहे हैं। अब की बार उन्होंने गुरबहाय करके गुड़िया कठेरिया को दे दिया है, इसके वजह से हम लोग नहीं हैं। हम तो अपना जो कैसी सरकार चाहते हैं, हम तो अखिलेश यादव की चाहते हैं। सरकार चाहते हैं, हम क्या कहते हैं, अखिलेश और उन्हीं को देते हैं साइकिल में वोट। और बताइए क्या बोले, पहले जो सरकार थी उन्हें काम कराया कुछ नहीं कराया लॉकडाउन लगा रहे हैं, पब्लिक को भूखा मार रहे हैं और कहा है। वो तो कह रहे हैं आटा और दाल, आटा दाल दे रहे, बस यही फाँक लिया, 5 किलो दे रहे, यही फाँको और पैसा कौड़ी बच्चे पालक रहते हैं। हम लोग हर चीज महंगाई है और क्या क्या महंगा, अच्छा बताइए, तेल है, दाल है, क्या चीज नहीं है। मैं हमारा ये कहना है कि चूँकि अपना हिंदुस्तान जो है बहुत बेहतर देश है, तो इसमें हर किस्म की बगिया का फूल है, यानी जितने वासी है, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सरदार, पासी, जैनी, यानी सब लोग एक गुलशन के फूल हैं, गुलदस्ता है। सभी लोग अपने अपने अंतरात्मा से वोट डालते हैं, उनका जहां मन करता है कि हमको किसको चुनना है, किसको वोट डालना है। ये बहुत बेहतर है कि सारे लोग ये हमारे खड़े हैं, सब इसमें हम लोग हिंदू भाई भी है, मुस्लिम है, सवर्ण भी है, हमारे धोरे भाई भी हैं, सारे लोग एकजुट होकर आज इस पर्व को मना रहे हैं और दिल से वोट डालने का कार्य कर रहे हैं। मतदान करने हम लोग ये सोच के जा रहे हैं कि अब की रड़ुओं की नहीं, बच्चों वालों की सरकार बनाएंगे। ऐसा पिछली सरकार में क्या रहा है जो लोग काफ़ी नाराज रहे हैं? नाराज तो इसलिए रहे हैं कि आपने देखा होगा किसान हमारे परेशान रहे, रात रात भर खेतों पर सोते रहे, जानवरों के खातिर घर पे बच्चों से लड़ाई होती रही, और होने के बाद में कुछ बच्चे तो ऐसे हुए तो घर छोड़ के चले गए खाली योगी जी की वजह से। अब योगी जी को इसलिए दर्द नहीं होगा कि उनके खुद के बच्चे होते तो उनको दर्द होता, खुद के बच्चे हैं नहीं तो दूसरे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, सभी पार्टी लोगों को लुभाने के लिए जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगातार अब हमलावर भी हो रही हैं और अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई हैं, जबकि सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वहीं रुद्रपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने रुद्रपुर कस्बे में लोगों से जनसंपर्क कर कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि रुद्रपुर को संपूर्ण विकास चाहिए, मेरा एक ही मुद्दा है, बस विकास। तो वहीं आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा,
कांग्रेसियों ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही अपनी अपनी सरकार बनने पर अपने अपने विधानसभा में विकास कार्यों को करने की भी बात कही है। विकास एक ही मुद्दा, रुद्रपुर को चाहिए संपूर्ण विकास। विकास की जो गति मैंने शुरू की थी अपने कार्यकाल में 2012 से 17 के बीच में, वो उसके बाद आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी के आने के बाद वो रुक गई, ठप हो गई, बर्बाद हो गई। उसी गति को पुनः दूने गति से चालू करना है, विकास को यहाँ पे पुनः स्थापित कराना है। आप दिग्गज नेता हैं और यहाँ अगर जनता आपको चुनती है तो क्या बेहतर करेंगे? हमने जनता से, जनता की मांग के लिए पूरे विधानसभा में 5 दिन तक उनसे ओपिनियन ली। एक दिन हमने रुद्रपुर यहाँ कचहरी के पास एक ओपिनियन वॉल बना करके उसमें ओपिनियन ली। करीब 1000 लोगों ने अपनी राय लिखी कि उन्हें क्या क्या चाहिए। हमारा मुद्दा दिल्ली का जो मॉडल है उस मॉडल को हम पूरे उत्तर प्रदेश में डेवलप करेंगे। और रुद्रपुर की ही बात नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश को 403 विधानसभा सीट है, सभी सीटों पर जो है कि दिल्ली मॉडल जो है हम उतारेंगे। जैसे शिक्षा बेहतर कर दिया गया है दिल्ली में, और महिलाओं को जो है कि सशक्तिकरण और सुरक्षा व्यवस्था जो है कि CCTV कैमरा लगा करके व्यवस्था किया गया है, वो व्यवस्था यहाँ भी होगा। और महिलाओं को 1000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, और दवा की जो व्यवस्था है वह पूरा जिस तरह से दिल्ली का मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता अभी हमने सर्वे किया, वहाँ बता रहे हैं लोग कि सपा की सरकार आ रही है। ये वो कह सकते हैं जो जिस पार्टी का रहता है हाँ, उस पार्टी का गुणगान करता है, लेकिन आ रहे हैं तो योगी जी। आप महिलाएं, महिलाओं के लिए क्या सोची हैं? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा, तीनों हमारी प्रमुख एजेंडे में है, और मैं अपने विधानसभा में ये कार्य पूरा करूंगी। इस बार जो है सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सड़कें सारे इस पूरे विधानसभा की सारी सड़कें जो है जर्जर हो गई हैं। उसके बाद पूरे सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में आज तक उच्च शिक्षा संस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज का अभाव है। सलेमपुर में बस स्टेशन नहीं है, लार टाउन में बस स्टेशन नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव मैदान में। अगर जनता आपको चुनती है तो आप क्या बेहतर करेंगे चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहला काम जो है हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने साल भर में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है कि जो हर सत्र में वो देंगे। मैं लोगों में, शहर के निवासियों में जाम की समस्या और नाली चौक होने की समस्या, जल जमाव की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं से निजात पाने के लिए मैं जामनगर के लोगों से और ग्रामीण क्षेत्रों में। सर, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए अनेक वादे करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, मैं उन प्रत्याशियों में से नहीं हूँ। मेरा पेशा राजनीति नहीं है, मेरा पेशा सेवा है। आज 96 से मैं सेवा कर रहा हूँ। और खबर औरैया से है, जहां तीसरे चरण के मतदान के लिए सुबह से ही बूथों पर लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं एक दूल्हा दुल्हन भी दुल्हन को विदा कराने के बाद सहरा बांधकर सीधे मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान दूल्हे ने बताया कि उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको बता दें कि औरैया में जहां आज तीसरे चरण को लेकर वोट डाले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए एक दूल्हे ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान वो अपनी बारात को लेकर जब अपने घर पहुंचा, जिसके बाद उसने तुरंत मतदान स्थल पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उसने लोगों से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की लोगों से अपील की है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां के रामपुर की कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने लालगंज नगर पंचायत की बाजार में जनसंपर्क किया। कांग्रेस नेत्री मोना मिश्रा के जनसंपर्क के दौरान महिलाओं व बच्चों ने पुष्प वर्षा की, साथ ही छात्राओं ने विधायक के साथ फोटो खिंचवाई और सेल्फी भी ली। इसके बाद विधायक आराधना मिश्रा ने व्यापारी और अधिवक्ताओं, साथ ही प्रबुद्ध वर्ग के साथ आम लोगों से क्षेत्रीय विकास की मजबूती में समर्थन का भी आह्वान किया।
जनपद सीतापुर में आगामी 23 फरवरी 2022 को चौथे चरण के लिए चुनाव होने हैं, जिसके चलते जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से भी अनुरोध किया कि वो स्वयं भी मतदान करें और अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों से भी अनुरोध करें कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। तो आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने सीतापुर में सभी से अपील की है कि वो मतदान स्थल पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। तो आपको बता दें कि लगातार पूरे यूपी में चुनाव का दौर जोरों शोरों से है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि सीतापुर में जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए क्या कुछ कहा। मैं विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी सीतापुर, जनपद के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य भाग लें। 23 फरवरी को जनपद में मतदान है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उस दिन अवश्य मतदान करें, साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों एवं मित्रों से भी अनुरोध करें कि वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब आप सफर के साथ साथ खाने पीने और आउटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले के सीमा में डिवाइडरी जगह पर एक रेस्ट एरिया बनाया जा रहा है। इस जगह को आकर्षक बनाने के लिए साथ ही साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां एक पुराना विमान लाया गया है और इस विमान के अंदर कुर्सी टेबल की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग विमान के अंदर बैठकर खाना खा सके, जिसकी वजह से इस एक्सप्रेसवे पर आपको खाने पीने की सुविधा के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं भी मिलेंगी। सर, उसमें हम एक रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं, फाइन डाइनिंग, और उसमें ऊपर विंग्स पे उसके रूफ टॉप रेस्टोरेंट सर ओपन। तो कब तक ये तैयार होगा, क्या कुछ रूपरेखा तैयार? सर, इसको मई जून तक हमारा स्टार्ट है प्लान करने का कि हम इसको स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। सर, ये काफ़ी बड़ा हाईवे है, दिल्ली देहरादून, दिल्ली हरिद्वार, दिल्ली मेरठ, और सब लोग इधर से टूरिस्ट काफ़ी गुजरता है और बाकी लोकल भी इधर नोएडा, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, मोदीनगर, इंदिरापुरम, नोएडा, वैशाली, वसुंधरा, वो सब लगता है। तो उन सब लोगों को मूर्थल जाना पड़ता है, तो बेसिकली अब उनको मूर्थल नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए यहीं पूरा एक बहुत बढ़िया पॉइंट हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव भी मिल जाएगी, खाना भी मिलेगा, गेमिंग जोन भी मिलेगा, मल्टीप्लेक्स देखने का मन है, OTTP प्लेटफॉर्म वो भी मिलेगा, स्टे करने का मन है तो वो रूम्स में मिलेंगे। ये सर, अभी आपने मूर्थल में देखा होगा, दो प्लेन वहाँ पे लगे हुए, हवाई अड्डा नाम से रेस्टोरेंट है वो, तो हम उसको देख के आए थे, तो हमारे मन में ये आइडिया वहाँ से आया कि क्यों ना हम इसको अपने दिल्ली NCR में लगाएं और लोगों को उसका लुत्फ उठाएं। तो कहाँ से आप ये लेकर आए हैं, कितना वक्त लगा है, कैसे आया है, क्या खर्चा आया है? एक्चुअली ये सर दिल्ली एयरपोर्ट से आया है और इसको लाने में हमें लगभग एक सप्ताह के आसपास लग गया वहाँ से लाने में, और ये तीन पार्ट में ट्रक्स पे लोड होके आया है। कुशीनगर में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की रोकथाम के लिए जिले भर में अपराधियों की निगरानी के लिए थाना कस्य और स्वाट की संयुक्त टीम ने गिरफ्तारी अभियान चलाया है, जिसके तहत मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल और ई रिक्शा बरामद किया गया। इस दौरान अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत स्वाट टीम और थाना कस्या की संयुक्त टीम द्वारा आज प्रातः एक गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी की जा रही थी, जिसमें उनकी निशादेही पे 5 बाइक और 1 ई रिक्शा, कुल 6 बरामदगी हुई है। इनके विरुद्ध पूर्व में अभी कोई अभियोग प्रकाश में नहीं आया जो पंजीकृत हुआ हो, पर इनके द्वारा जो चोरियां की गई हैं इस थाने से संबंधित और अन्य भी जगहों से हो सकती हैं, उसका अभी ट्रेस किया जा रहा है और जो बरामदगी हुई है उसके अनुसार उन पर विधिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।